देश के कई हिस्सों में मौसम का मिजाज बदला हुआ नजर आ रहा है। आने वाले दिनों में पहाड़ी इलाकों में एक बार फिर बर्फबारी और बारिश हो सकती है। मौसम विभाग के मुताबिक 11 से 14 मार्च के बीच पश्चिमी हिमालय क्षेत्रों और मैदानी इलाकों में हल्की बारिश होने की संभावना है। वहीं हिमाचल प्रदेश, लद्दाख, जम्मू कश्मीर और उत्तराखंड के कुछ हिस्सों में हल्की बारिश और बर्फबारी हो सकती है। 12 से 14 मार्च के बीच पंजाब, हरियाणा और उत्तर प्रदेश में भी बारिश होने की उम्मीद जताई गई है। इसके अलावा पंजाब, झारखंड, उड़ीसा, पश्चिम बंगाल, केरल और सिक्किम में अलग अलग स्थानों पर भी हल्की बारिश होने की उम्मीद जताई गई है। IMD के अनुसार दिल्ली में 8 मार्च को न्यूनतम तापमान 9.6 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया, जो मौसम के औसत से 5 डिग्री कम है। वहीं 7 मार्च को राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में मार्च की सबसे ठंडी सुबह रही। इसी बीच ताज़ा पश्चिमी विक्षोभ के अगले सप्ताह पश्चिमी हिमालय क्षेत्र को प्रभावित करने की संभावना है, जिससे हिमाचल प्रदेश में एक बार फिर आंधी और बारिश हो सकती है। इसके अलावा 9 और 10 मार्च को राजस्थान को छोड़कर उत्तर पश्चिमी भारत के मैदानी इलाकों में तेज हवाएं चलने की भी संभावना जताई गई है। मौसम विभाग के अनुसार 10 और 12 मार्च को जम्मू कश्मीर, लद्दाख, हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड में अलग अलग स्थानों पर हल्की मध्यम वर्षा और बर्फबारी हो सकती है।